तो भाई मुंबई इंडियंस का आईपीएल 2024 में क्वालिफिकेशन सिनेरियो क्या है यार? देखो सबसे पहली चीज तो यही है कि आरसीबी के बाद दूसरी टीम मुंबई इंडियंस हो जाएगी जो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाएगी अगर अपने अगले कोई भी मुकाबले हारती है तो सबसे पहला सिनेरियो तो यही है कि भाई आपको सारे मैचेस जीतने हैं। अब उससे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं कि भाई जो भी मुंबई इंडियंस फैंस इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया कैजुअली लें और मजाक में लें क्योंकि ये वीडियो सिर्फ सीरियस बंदों के लिए है। तो सबसे पहला सिनेरियो तो यही है कि मुंबई इंडियंस यहां से अपने सारे मैचेस जीते, इसके अलावा सामने वाली जो टीमें हैं ना सारी वो गेम को कर दें बॉयकॉट। बॉयकॉट क्यों? क्योंकि बॉलर्स की बहुत पिटाई हो रही है। अब ये काम ना मुंबई इंडियंस को कन्विंस करना पड़ेगा, साथ में उनके हाथ पकड़ के चलना पड़ेगा आरसीबी को। अब आरसीबी और मुंबई इंडियंस कन्विंस करे सामने वाली टीम को कि भाई बॉलर्स की बहुत पिटाई हो रही है, आईपीएल को करो बॉयकॉट। और जब सारी टीम को कन्विंस कर लिया तो लास्ट में जाके जब फाइनल का दिन हो ना तो वहां पे मुंबई इंडियंस और आरसीबी डिच कर दे और सीधा फाइनल खेले। ये एक सिनेरियो है। अब सिनेरियो थोड़ा फनी है लेकिन कोई बात नहीं, मतलब कह लेते हैं ठीक ही है। अब देखो सारे मैचेस तो मुंबई इंडियंस को जीतने ही है लेकिन सिनेरियो टू में अब इनको अंबानीज का सहारा लेना पड़ेगा। अंबानीज से ये मनाना पड़ेगा कि या तो इनके मैचेस को छोड़कर बाकी सारे मैचेस हो जाए टाई या नो रिजल्ट, या मैचेस अगर कैंसिल कराने का जुगाड़ हो तो ये भी कर सकते हैं। अब ये सिनेरियो थोड़ा सा इजी है सिंस मैंने अंबानीज का नाम ले दिया। सारे लोगों जो है वो जियो के टैग्स है तो कहीं ना कहीं आप भी इस बात से सहमति जरूर दर्ज कराओगे। चलो ये तो हो गया थोड़े फनी सिनेरियो जैसे मुंबई इंडियंस कर सकता है आईपीएल 2024 में क्वालिफाई। लेकिन अब बात कर लेते हैं थोड़े सीरियस सिनेरियो पे जो कि लेजिट है, जो कि अब देखो बहुत मस्ती मजाक हो गया। अब बात करेंगे जो लेजिट सिनेरियो बन रहे हैं मुंबई इंडियंस के स्लाइट क्वालिफिकेशन चांसेस। तो सबसे पहले तो ये कि राजस्थान रॉयल्स अपने सारे मैचेस जीते, मतलब 10 के 10 पॉइंट कलेक्ट करे, 26 पॉइंट पर फिनिश करे राजस्थान, तब कुछ ना कुछ हो सकता है। इसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स दो मैच कम से कम जीते हैं, बाकी सारे अपने मैचेस गवाए। तो उसके आगे आते हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स, SRH, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स यहां से कम नहीं तो एक मैच जीते और बाकी कम से कम ही जीते एक मैच जीते। इसके बाद यह होगा कि LSG यहां से एक भी मैच नहीं जीते जिससे मुंबई इंडियंस को काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। मुंबई इंडियंस के हो जाएंगे 14 पॉइंट्स यहां से एंड LSG ऑलमोस्ट हो जाएगी बाहर, चांसेस इसे कम ही है लेकिन हो जाएगी बाहर। इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स 26 पॉइंट्स पर फिनिश करेंगे, KKR के हो जाएंगे 16 पॉइंट्स, तो टॉप टू टीम्स हमारी मिल जाएंगी। CSK, SRH, DC के बनेंगे यहां से 12-12 पॉइंट्स। वहीं गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स फिनिश करेगी रिस्पेक्टिवली 10 और 12 पॉइंट्स पर, अगर जो सिनेरियो मैंने आपको बताया है। तो मुंबई इंडियंस के वहां से होंगे 14 पॉइंट्स एंड तब वहां पर आएगा रन रेट का फर्क। अब मुंबई इंडियंस से सारे मैचेस जीत रहा है, जिस तरह की उनकी बैटिंग चल रही है ना, तो हम ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रन रेट वहां पर इशू नहीं क्रिएट करेगा, लाइक कीपिंग इन माइंड द फैक्ट्स कि बाकी सारी टीम्स भी थोड़े अच्छे खासे मार्जिन से हारे, या थोड़ा सा मार्जिन ठीक होना चाहिए एंड मुंबई का मार्जिन रेट अच्छा होना चाहिए जो विनिंग रेट है। तो 14 पॉइंट हो जाएंगे मुंबई के। अब वहां पे सिनेरियो तो ठीक है लेकिन मुंबई इंडियंस कर कैसे पाएगी, वहां पर उनको सारे कॉलम्स टिक करने पड़ेंगे। अभी तक बैटिंग में कोई इशू नहीं आ रहा है, टीम 200 प्लस के टोटल स्केलो बहुत इजीली बना पा रहे हैं, लेकिन दिक्कत आ रही है गेंदबाजी में क्योंकि जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई खिलाड़ी साथ नहीं दे रहा है। तो भाई सबका साथ सबका विकास मोदी जी कह गए तो सबका साथ चाहिए होगा मुंबई इंडियंस को ये मार्क हासिल करने के लिए। अब यहां से जो फाइनल चीज है, जो अगर ये क्वालिफिकेशन मिल जाता है तो राजस्थान, मुंबई, KKR, CSK ये चार टीमें करेंगी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई, जिसमें से मुंबई इंडियंस इजीली फिर टाइटल ग्रैब कर लेगा। तो भाई कैसे लगे सिनेरियोस कमेंट डाउन जरूर करना और बाकी अपने ओपिनियंस भी कमेंट डाउन कर देना, क्या मुंबई सच में क्वालिफाई कर पाएगा या आरसीबी के साथ आरसीबी वर्सेस मुंबई फाइनल होगा, कमेंट डाउन कर दो फटाफट और लाइक फॉलो शेयर कर दो इस वीडियो को और ढेर सारा लाइक फॉलो शेयर सब्सक्राइब कर देना खेल क्रिकेट के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।